नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं साक्षी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। जलकुंभी और गंदगी से पटा है बस्तर का ऐतिहासिक दलपत सागर, प्रशासन नहीं दे रहा इस ओर कोई ध्यान। जबलपुर में NMDC खदानों के निजीकरण को लेकर विरोध शुरू, आचार संहिता हटने के बाद मामले को लेकर किया जाएगा उग्र आंदोलन। जगदलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूंका राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का पुतला। भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता रजनीश पाणिग्राही बोले, आगे भी जारी रहेगा आंदोलन। जलकुंभी और गंदगी से पटा है बस्तर का ऐतिहासिक दलपत सागर। बस्तर रियासत के तत्कालीन महाराजा दलपत देव ने किसी जमाने में यह समझकर दलपत सागर का निर्माण कराया था कि यहाँ के पानी से लोग निस्तारीकरण कर सके। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भोपाल ताल के बाद दूसरे नंबर का तालाब माना जाता है, लेकिन शहर के गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था के अभाव में यह तालाब केवल गंदगी से भरा पड़ा है। हालांकि नगरवासियों ने एक बड़ा अभियान शुरू कर आधे से ज्यादा जलकुंभी की सफाई कर कचरे को बाहर निकाला था, लेकिन कुछ समय बाद यह अभियान बंद हो गया। अभियान के बंद होने से तालाब में फिर से जलकुंभियों ने कब्जा जमा लिया है। इस ऐतिहासिक तालाब को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सभी तालाबों का शहर का कहे जाने वाले जगदलपुर में अब महज दो ही तालाब बचे हैं। नगर निगम का कहना है कि आउटलेट के माध्यम से शहर का गंदा पानी बाहर निकालने की योजना लाई गई है। अब योजना कब शुरू होती है इसका नगरवासियों को इंतजार है। दलपत सागर के विषय में मुझे यह कहना है कि अगर साफ सफाई ना किया जाए तो बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, और इसे ना करने की वजह से दलपत सागर का अस्तित्व भी खतरे में है। अभियान छेड़ने के बाद भी जब तक दलपत सागर में नालों का पानी जाएगा तब तक वहां पे जलकुंभी होती रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि हमने एक जो हमारा STP प्लांट का काम शुरू कर दिया है, जो जितना भी वेस्ट पानी है वो 6 महीने साल भर में कंप्लीट होने की उम्मीद है, जो नालों के द्वारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट STP में जाने के उपरांत वो वापस दलपत सागर में आएगा। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। पिछले 60 साल से दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल बचेली में संचालित NMDC खदानों के निजीकरण को लेकर विरोध शुरू हो गया है। यहां के ट्रेड यूनियन के मुताबिक हाल ही में सर्वे किए गए डिपॉजिट नंबर 13 को अडानी ग्रुप को दिए जाने का MOU हुआ है, जिसका भारी विरोध हो रहा है। यहां NMDC खदानों को संचालित करता है। इससे पूर्व भी नगरनार प्लांट के निजीकरण किए जाने का विरोध जनप्रतिनिधि और बस्तरवासियों ने किया था। NMDC की खदानों को उद्योगपति को दिए जाने को लेकर ट्रेड यूनियन के लोग सड़क पर उतरने को तैयार है। बचेली ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष राजेश संधू का कहना है कि केंद्र सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को प्राकृतिक संसाधनों को बेच रही है। NMDC कम कीमतों पर आसपास के प्रांतों को लोहा दे रही है, वहीं अडानी ग्रुप इसे अधिक कीमत पर बेचेगा, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को नहीं होने वाला। साथ ही CSR मद और डिस्ट्रिक्ट फिनरल फंड में भी कोई इजाफा नहीं होने वाला है। ट्रेड यूनियंस का कहना है कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो ट्रेड यूनियन के लोग काली पट्टी लगाकर काम करेंगे और आचार संहिता के हटते ही मामले को लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। सभी यूनियंस का, मजदूरों का, वहाँ बेलंडिया क्षेत्र के मजदूरों का ये मानना है कि NMDC का 60 साल का एक्सपीरियंस है माइनिंग एक्टिविटी में, तो किसी भी प्राइवेट माइनिंग एक्टिविटी करने के किसी प्राइवेट ओनर को क्यों बुलाया जा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी को क्यों बुलाया जा रहा है, और ये एक तरह से NMDC का निजीकरण करने का एक शुरुआत है, प्रथम कदम है। जगदलपुर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का पुतला फूंका। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विक्रम उसेंडी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय भाजपा कार्यालय के सामने जयसिंह अग्रवाल का पुतला फूंकते हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रजनीश पाणिग्रही ने कहा कि सत्ता के आने बाद कांग्रेस के लोग बेलगाम हो चुके हैं और आदिवासी नेताओं का अपमान करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। उन्होंने मंत्री के खिलाफ आगे भी आंदोलन जारी रखने की बात कही। कांग्रेस पार्टी के मंत्री और
जयसिंह अग्रवाल जी राजस्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष वरिष्ठ आदिवासी नेता सम्मान्य विक्रम सिंह जी के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के साथियों का मानना है कि कांग्रेस के लोग आदिवासी समाज के लोगों का अपमान कर रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। सुल्तानपुर के बालमपुर प्राथमिक विद्यालय का जर्जर भवन अचानक गिर गया। स्कूल में अवकाश के ठीक 2 घंटे बाद भवन गिरने से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन शिक्षक और अभिभावकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरतलब है कि उक्त प्राथमिक विद्यालय का मूल भवन वर्षों से जर्जर है, जिसको लेकर स्कूल प्रबंधन ने कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। यहाँ पे एक निष्प्रयोज्य जर्जर भवन था जो 1964 ईस्वी का बना हुआ था और एकाएक रविवार को गिर गया। अवकाश के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावनाएं प्रबल थी। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदसौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी की वारदात हुई, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में थाना प्रभारी विवेक कनोडिया के द्वारा मुखबिर को सक्रिय किया गया है और खोजबीन शुरू कर दी गई है। चोरी हुए वाहन को बरामद कर आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से एक ट्रैक्टर, एक मारुति कार, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। शहर में और जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में भी कुछ गंभीर वाहन चोरी की वारदातें भी घटित हुई थी। इस संबंध में लगातार प्रयास किए जा रहे थे और अभी हाल ही में विशेष टीम बनाकर मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया और थाना प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया था कि जो पूर्व में वाहन चोरी की घटनाएं घटित हुई हैं उसमें चोरी के वाहनों को भी पता लगाया जाए और साथ में ऐसे अपराधों में लिप्त आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाए। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।